ना, मैं आपको बता दूं मेरा एक्सपीरियंस क्या है, लोग एग्जाम से 7 दिन पहले भी फोन करके पूछते हैं सर कुछ नहीं पढ़ा हुआ आप क्या पढ़ो, तो उनको भी सहानुभूति देनी पड़ती है, बिकॉज होप कभी नहीं छोड़नी चाहिए। कोई एग्जाम के सुबह भी मेरे को कॉल करेगा कि दोस्त सर जी मैं, मतलब भाई दोस्त कुछ भी बोलो कि मैं पढ़ा नहीं है अभी एग्जाम है 2 घंटे बाद, मैं क्या मैं पास हो सकता हूँ कि नहीं, तो मैं एक ही बात बोलता हूँ कि आप जरूर पास हो सकते हो, क्यों नहीं पास हो सकते यार। कई बार क्या होता है ना, बड़ा कोई आशीर्वाद मिल जाता है भगवान, मैं सच बता रहा हूँ, बंदे उठ के गले पास हो जाते हैं। इसलिए होप किसी की नहीं तोड़नी है लाइफ में। कोई बोले कि मैं कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, हाँ दोस्त आप जरूर कर सकते हो, आप कर लोगे, आपके अंदर पोटेंशियल है, ऐसा बोलने से सामने वाले में बहुत ताकत आती है। किसी को डिमोरलाइज करने के बाद दोस्तों कुछ नहीं मिलेगा आपको, बस उसको मोटिवेट करो ताकि वो आगे लाइफ में कुछ कर सके। अब कोई आदमी कोई नोट्स पढ़ रहा है, तुम दूसरे नोट्स पढ़ रहे हो, ठीक है, सब टीचर्स की रिस्पेक्ट करता हूं मैं। अब आप गए, अरे यार तू इस टीचर की क्यों पढ़ रहा है, इसमें से तो कुछ आता नहीं, अरे यार उसका ट्रस्ट है उस टीचर पर, लेट हिम स्टडी फ्रॉम दैट टीचर ओनली। कोई भी टीचर बुरा नहीं पढ़ाता है, सब लोग अच्छा पढ़ाते हैं, समझ रहे हो बात को। इट डिपेंड्स ऑन यू विच सोर्स यू आर चूजिंग। हर कोई टीचर अपने स्टूडेंट को बेस्ट पढ़ाना चाहता है, कोई भी टीचर हो यार, सब टीचर अपने स्टूडेंट को पास होता हुआ देखना चाहते हैं। डोंट क्रिटिसाइज पीपल ऑन द बेसिस ऑफ नोट्स, तू इसके क्यों पढ़ रहा है, इसके पढ़ ले, उसको उसका समझ में आ रहा है, लेट हिम डू दैट। उनको मोटिवेट करो कि भाई आप ये पढ़ लो, इसको ही पढ़ना, फिर चेंज मत करना। अच्छी सलाह दो किसी को, किसी को सलाह देने से उसका काम बन सकता है। वो घर से किस कंडीशन से आ रहा है, अगर वो पास हो जाता है आपके मोटिवेट करने से, उसके पूरे खानदान को कितना बड़ा फायदा होगा उसका। हो सकता है वो इकलौता बच्चा हो, पूरे घर ने लोन ले रखा उसको पढ़ाने के लिए, आपके डिमोरलाइज करने की वजह से वो बच्चा बेचारा फेल हो जाता है। यू डोंट हैव टू डू दिस थिंग्स, यू हैव टू मोटिवेट योर फ्रेंड्स की नहीं भाई अच्छा कर रहा, कर लेगा और अच्छा कर, तू तो बहुत बढ़िया यार, मेरे से भी बढ़िया तू, ऐसा बोलने से लोगों को ताकत मिलती है। इसी ताकत के साथ हमें दूसरों को भी मोटिवेट करना है दोस्तों, ठीक है, लव यू ऑल।